रामगढ़ के मांडू स्वास्थ्य केंद्र के विकास के लिए जिला प्रशासन और टाटा के बीच एमओयू। और पलामू में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पहुंचा, सुबह शाम नमस्कार। खबरें झारखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने बैठक में भाग लिया। बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों को सुचारू देशभर में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजधानी रांची स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी ने भी भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साहेबगंज में बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने के मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के संदर्भ में चर्चा एवं इसके विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए रांची स्थित मुख्य चुनाव कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बैठक की। इस बैठक में शत प्रतिशत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अंकित कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने कुछ समस्याओं से भी आयोग को अवगत कराया। मतदाता सूची का कार्यक्रम चल रही है, उसका सेकंड मीटिंग हुई क्या है, अभी तक रिविजन कैसा हो रही है, उनका सारी सुझाव भी प्राप्त हुई, उनका द्वारा कुछ सजेशन भी दिया गया था, उसी का संबंध हम लोग आज चर्चा किए। आज वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कितना वो उनका सुझाव आई, सजेशन आई, उनका प्रसंग आए, उसका साथ में हम लोग काम करके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। राज्यभर में बिजली की नियमित आपूर्ति की मांग को लेकर भाजपा रांची महानगर इकाई द्वारा धुरवा स्थित बिजली वितरण विभाग कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, विधायक सीपी सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष
केके गुप्ता ने राज्य में अनियमित विद्युत आपूर्ति और बिजली की आंख मिचौली को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। हम लोगों ने पिछले दिनों यहाँ के जो बिजली वितरण निगम के जो CMD है के वर्मा जी, उनको मिल करके अल्टीमेटम दिए थे कि आप यदि 7 दिनों के अंदर बिजली की व्यवस्था में सुधार नहीं करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और जब देखे कि कोई सुधार नहीं हो रहा है तो हम लोगों को मजबूर होकर आज धरने पे बैठना पड़ा। फिर भी यदि बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो हम आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन करेंगे और झारखंड सरकार को मजबूर करेंगे। गृहिणियों को, सबसे ज्यादा महिलाओं को ही दिक्कत होता है, बिजली नहीं रहने के कारण घर की सारी काम जो आप पढ़ने का लेकर फ्रिज TV जितना भी आप देख सकते हैं सारा बिजली से चलता है। और ये सरकार जो स्थिति है, जो कि 3000 मेगावाट बिजली की जरूरत है पूरे झारखंड को, और ये झारखंड सरकार 2000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर रही है। आजसू पार्टी की छात्र इकाई का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन 12 जनवरी को राजधानी रांची में होगा। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने बताया कि इस सिलसिले में आज केंद्रीय कार्यालय में आजसू छात्र संघ रांची जिला का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं से उनके विचार सुने गए और उन्हें संगठन की मजबूती के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसलिए छात्र विंग को इनका प्रदेश स्तरीय अधिवेशन होना है, प्रदेश स्तरीय अधिवेशन का डेट भी निर्धारित हो चुका है, 12 जनवरी को होगा। और उसकी तैयारी को लेकर के सभी जिला का पुनर्गठन, इसका गठन किया जा रहा है। गुमला जिले के बसिया प्रखंड मुख्यालय में आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान टीबी रोगियों के बीच पोषण किट सामग्री वितरित किए गए। गुमला के बसिया में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने 46 टीबी मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी किसी तरह आम नागरिक को मदद करते हैं तो इससे एक बढ़िया संदेश जाता है। जिला को टीबी मुक्त करने की पहल है अगले साल के अंत तक, उसके लिए ये मुकाम जो है वो बहुत मदद करेगा, और ये एक कड़ी है जो कहीं रुकना नहीं चाहिए। जैसे ब्लड की कमी होती है तो ब्लड देने वाले भी अगर इसी तरह हम लोग साथ जुड़ते जाएं तो सदर अस्पताल में जो आए दिनों में हम लोग सुनते हैं कि कहीं ना कहीं इस या इस पार्टिकुलर ब्लड ग्रुप की कमी हो रही है, वो सही बहुत जल्दी बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इस दौरान टीबी की एक पूर्व मरीज ने कहा कि पहले सिर्फ 500 रुपए मिलते थे जिसमें पौष्टिक आहार खरीदना पड़ता था, अब टीबी रोगियों को गोद लेने से काफी सहायता मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वे अब टीबी से मुक्त होने के बाद रोगियों की मदद के लिए काम कर रही हैं। मुझे टीबी 2019 में हुआ था और मैंने 6 महीना नियमित दवा खाने के बाद ठीक हो चुकी हूँ। ठीक होने के बाद मुझे टीबी चैंपियन के रूप में काम करने का मौका मिला है रिम्स संस्था में, और मैं टीबी मरीज लोगों का मदद करती हूँ। इस अभियान में प्रखंड के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और समाज सेवियों ने कई टीबी मरीजों को गोद लेकर एक मिसाल पेश की है। यह इस बात का प्रमाण है कि जन भागीदारी से किस तरह असाध्य और मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है। गुमला से बलदेव प्रसाद की रिपोर्ट। रामगढ़ के मांडू स्वास्थ्य केंद्र के विकास के लिए जिला प्रशासन और टाटा के बीच आज एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। टाटा फाउंडेशन के CSR के तहत CHC मांडू में सौंदर्यकरण, सोलर आधारित विद्युत सेवा और केंद्र में आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने सहित अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने आज रामगढ़ के डेली मार्केट और गोला में बनने वाले ओवरब्रिज स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान वे डेली मार्केट के दुकानदारों की समस्याओं से रूबरू हुए और उसके समाधान का भरोसा दिलाया। सिन्हा ने बताया कि डेली मार्केट वाले स्थान पर अब एक भव्य मॉल बनाया जाएगा, जिसमें निर्मित दुकानों में दुकानदारों को मालिकाना हक दिया जाएगा ताकि उनका व्यवसाय और अच्छा से बढ़ सके। उन्होंने गोला में रेल फाटक के पास ओवरब्रिज बनाने का आश्वासन दिया। ट्रैफिक है जो हम लोगों के यहाँ से रांची जाती है, धनबाद बोकारो से आती है और रांची की ओर बढ़ती है, तो बहुत जबरदस्त वहाँ ट्रैफिक गोला चौक पे आता था, और जब वो गेट बंद हो जाता है और वो घंटों तक गेट बंद रहता है क्योंकि वहाँ माल की बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो पूरे गोला चौक तक में ट्रैफिक जैम हो जाता था और आने जाने में सबको बहुत कठिनाई हो रही थी। इसलिए कई वर्षों से
हमने रेलवे वालों को कहा हुआ था कि वहां ओवरब्रिज बनाना बहुत ही जरूरी है कोविड के कारण। रांची सांसद संजय सेठ ने आज ईचागढ़ के चौका में रांची लोकसभा क्षेत्र के 7वें सांसद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया। यह समाधान केंद्र क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए खोला गया है, जहां क्षेत्र की जनता अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन यहां दे सकेगी। यह समाधान केंद्र विकास को गति प्रदान करने वाला भी होगा। इधर सांसद संजय सेठ ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट ऑडिटोरियम के किराए में की गई वृद्धि पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि ऑडिटोरियम का निर्माण शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, इसलिए इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज पलामू जिले के सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थापित पेशकार अशोक कुमार को 30,000 रूपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पेशकार पर चैनपुर प्रखंड के बोड़ी करसो निवासी मुबारक हुसैन से एक जमीन संबंधी मामले में दायर मुकदमे के निष्पादन के एवज में 30,000 रूपये रिश्वत का आरोप है। कोडरमा जिले के झुमी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नगर परिषद द्वारा ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए विशेष निर्देश दिया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि परिषद क्षेत्र में लगभग 4,000 दुकान और प्रतिष्ठान संचालित है, जबकि आधे से अधिक दुकानदारों के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अंतर्गत कोई भी ऐसा आवासीय या गैर आवासीय जो परिसर है, जो कि गैर आवासीय प्रयोजन के लिए अपने परिसर का उपयोग करता है, गैर आवासीय प्रयोजन में सभी प्रकार की दुकानें, हॉस्पिटल, कोचिंग संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट और हर प्रकार के व्यवसायी जो भवन हैं वे आते हैं और उन्हें प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिका अनुज्ञप्ति, जिसे हम लोग ट्रेड लाइसेंस भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, वो लेना अनिवार्य है। तो झुमरी तिलैया नगर में वर्तमान एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 4,000 से ज्यादा दुकानें जो हैं वो कार्यरत हैं। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। पहले मेरी घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, गुजर बसर करने के लिए भी दिक्कत हो रहा था। मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना था। रोजगार के लिए इधर उधर भटक चलते थे। जहां आप लोन के लिए दर बदर भटकते थे, हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना प्रारंभ किया है। 50,000 से 25 लाख रुपए तक का लोन देने का सरकार ने कानून बनाया। मुझे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 8,86,000 की सहायता राशि प्राप्त हुई है। मुझे 20 लाख का लोन मिला है। मुझे 5 लाख की सहायता राशि मिली है। 8 से 10 आदमी का भी रोजगार दे रहा हूँ, उनका भी जीवन अपन अच्छा से चल रहा है। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम का बिजनेस स्टार्ट किया है। इस योजना से मुझे रोजगार के साथ सम्मान भी मिला है। मैं अपना व्यवसाय और अपना परिवार खुद भी देखती हूँ। मुझे एक जिंदगी में जीने का एक अच्छा मौका मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अमरेकर हेमंत दादा के जय जोहार, जय झारखंड। पहले मेरी घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, गुजर बसर करने के लिए भी दिक्कत हो रहा था। मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना था। रोजगार के लिए इधर उधर भटक चलते थे। जहां आप लोन के लिए दर बदर भटकते थे, हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना प्रारंभ किया है। 50,000 से 25 लाख रुपए तक का लोन देने का सरकार ने कानून बनाया। मुझे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 8,86,000 की सहायता राशि प्राप्त हुई है। मुझे 20 लाख का लोन मिला है। मुझे 5 लाख की सहायता राशि मिली है। 8 से 10 आदमी का भी रोजगार दे रहा हूँ, उनका भी जीवन अपन अच्छा से चल रहा है। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम का बिजनेस स्टार्ट किया है। इस योजना से मुझे रोजगार के साथ सम्मान भी मिला है। मैं अपना व्यवसाय और अपना परिवार खुद भी देखती हूँ। मुझे एक जिंदगी में जीने का एक अच्छा मौका मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अमरेकर हेमंत दादा के जय जोहार, जय झारखंड। विराम के बाद आपका स्वागत है।
लोहरदगा के उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज विशेष डीएलसीसी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से बैंकों के केसीसी के लंबित आवेदन, जेएसएलपीएस के महिला एवं स्वयं सहायता समूह का क्रेडिट लिंकेज के लिए आवेदन, मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के आवेदन निष्पादन की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा एलडीएम को निर्देश दिया गया कि केसीसी के जो आवेदन बैंकों द्वारा किसी वजह से लौटाए गए हैं, उन आवेदनों की पुनः जांच कर उन्हें शुक्रवार तक स्वीकृत करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जो आवेदन बैंक के पास अभी भी हैं, वैसे आवेदनों को भी स्वीकृत करने कर किसानों को केसीसी से आच्छादित किए जाने का कार्य किया जाए। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 4 में आज खेलो झारखंड के तहत जिला स्तरीय खेलो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ स्थानीय विधायक विरंची नारायण, उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने किया। बोकारो स्टील सिटी के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में झारखंड शिक्षा परियोजना बोकारो द्वारा आयोजित खेलो झारखंड का उद्घाटन करते हुए विधायक विरंची नारायण ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। यदि हर जिले में जो फाइनल जहां पे खेला जाए, वहां जिले भर से हर स्कूलों से बच्चे इसमें सिर्फ खेलने के लिए पार्टिसिपेट न करें बल्कि देखने के लिए पार्टिसिपेट करें, उस दिन बाकायदा छुट्टियां घोषित हों। इस दौरान उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि खेलो झारखंड के तहत प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर खिलाड़ी यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, जीवन में खेल का होना आवश्यक भी है। सरकार की ओर से ये कार्यक्रम पूरे राज्य भर में चलाया जा रहा है, उसी क्रम में आज जिला के हम लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के बीच में खेल भावना का विकास हो, और जिस प्रकार हम सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मौके पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जरीडी, कसमार, पेटरवार और चंदन कियारी की बच्चियों ने अपने अपने बैंड का प्रदर्शन किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस रांची में आज एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। मौके पर स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के डीपीएस सोसाइटी के चेयरमैन पद्मभूषण वीके सुंगलू विशेष रूप से मौजूद रहे। डीपीएस रांची के बच्चे आज मौज मस्ती और पूरे उल्लास में दिखे। मौका था एनुअल स्पोर्ट्स डे का। कार्यक्रम में डीपीएस सोसाइटी के चेयरमैन पद्मभूषण वीके सुंगलू विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी बहुत जरूरी है। आजकल जो लर्निंग प्रोसेस है, जिसको कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहा है, उसमें न कि केवल स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी, म्यूजिक, ड्रामा, ये सब बहुत जरूरी। डीपीएस रांची के प्रिंसिपल डॉ. राम सिंह ने कहा कि अपनी स्थापना से अब तक डीपीएस रांची ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हमारा लक्ष्य एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है। एजुकेशन का मतलब है कि एकेडमिक के साथ में स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स हेल्दी होने का, और कोविड के बाद लगता है कि इसकी ज्यादा जरूरत है। तो बच्चों को आज स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं, पूरे स्कूल कलरफुल है, बच्चे डांस कर रहे हैं। हमको लगता है कि स्पोर्ट्स जो है बच्चों में डिसिप्लिन, एंथुजियाज्म और विनिंग स्पिरिट जो है देगा। इस दौरान स्कूली बच्चे मस्ती के मूड में दिखे, उनमें गजब का उल्लास दिखा। एक ओर जहां बच्चों ने खेल और योग के विभिन्न प्रदर्शनों से लोगों को चकित कर दिया, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित पेरेंट्स और शहरियों का मन मोह लिया। कुल मिलाकर डीपीएस परिवार के लिए आज का दिन काफी यादगार बना। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के नाम पर कोडरमा में बड़ा घोटाला प्रकाश में आया है। 1433 अल्पसंख्यक छात्रों के नाम पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की राशि गबन कर ली गई है। हालांकि मामला प्रकाश में आने के बाद कल्याण पदाधिकारी ने विभाग के 3 कर्मी समेत 10 स्कूलों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। कोडरमा में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति के नाम पर दिए जाने वाली राशि में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जिले में एक नहीं, दो नहीं,
बल्कि तीन तीन वित्तीय वर्ष में 10 स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के नाम पर दिए जाने वाली राशि का गबन किया गया है। इसमें सिर्फ स्कूलों की भूमिका ही संदिग्ध नहीं है, बल्कि विभाग के 3 कर्मियों की मिलीभगत भी सामने आई है। बहरहाल जिला कल्याण पदाधिकारी नीली सरोज कुजूर ने कोडरमा थाने में 10 स्कूल के प्राचार्य और विभाग के 3 कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में हमारे ओर से डीसी सर के आदेशानुसार जांच हुआ। जांच में 10 स्कूल पाए गए और विभाग के 3 कर्मी। मामले में विभाग के सेवानिवृत्त लिपिक मोहम्मद मोबिन, वर्तमान लिपिक प्रमोद कुमार मुंडा और कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद हैदर की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है। कल्याण पदाधिकारी के मुताबिक स्कूल से मिले कागजातों की जांच किए बिना ही उसे अपलोड कर दिया गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सेवानिवृत्त क्लर्क मोहम्मद मुबीन, लिपिक प्रमोद कुमार मुंडा कार्यालय नहीं आ रहे हैं। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद हैदर का कहना है कि इस मामले में विभाग के बाबू के द्वारा जो आदेश दिया जाता था वे सिर्फ उसका पालन करते रहे हैं। हम एक ऑपरेटर है। अच्छा। संबंधित बाबू और अधिकारी के आदेश के अनुसार हम काम किया करते। छात्रवृत्ति के नाम पर अनियमितता की बात जब उपायुक्त को पता चली तो उन्होंने अपर समाहर्ता से इस पूरे मामले की जांच करवाई, जिसमें यह बात सामने आई कि फर्जी स्कूल और फर्जी छात्रों के नाम पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के नाम पर मिलने वाली राशि का गबन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में 10 स्कूलों के 1,433 छात्रों के नाम पर तकरीबन 1.5 करोड़ की राशि विभाग के कर्मियों की मिलीभगत से गबन कर ली गई है। इसमें बेसिकली हम लोग को तो यही दिख रहा था कि जो निकासी हुई है वो सही लाभुक तक बच्चों तक नहीं पहुंची है, तो हम लोग मूल रूप से उसमें एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कराए थे। उसमें ज़्यादातर विद्यालयों के बच्चों को लाभ नहीं मिला था, तो हम लोगों ने तत्कालीन जो भी कर्मीगण थे और जो भी स्कूल प्रबंधन के लोग थे उन सभी पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं, DW ने दर्ज करा है। यहाँ 10 स्कूलों में यह मामला सामने आया है। इनमें से एक चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल जिस पर 144 छात्रों के नाम पर तकरीबन 15 लाख रुपए गबन का मामला दर्ज किया गया है, उसके प्रबंधन का कहना है कि जिन बच्चों की सूची उन्हें सौंपी गई है उनमें से एक भी बच्चा उनके स्कूल में नहीं पढ़ता है। चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल के संचालक तौफीक हुसैन ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में कल्याण विभाग के कर्मी जिम्मेदार हैं और स्कूलों के नाम पर फर्जी छात्रों का नाम देकर राशि का गबन किया गया है। इस छात्रवृत्ति में विद्यालय का नाम घसीटा जा रहा है, बिना मतलब का खराब किया जा रहा है और इस विद्यालय में जो के नाम पे जो आवेदन दर्ज किया गया है वह आवेदन पूर्ण रूप से फर्जी है। हमारे विद्यालय का यूजर आईडी कोड और मोहर वगैरह का दुरुपयोग किया गया है। दरअसल छात्रवृत्ति से पहले एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए पहले स्कूलों की ओर से आवेदन आता है और उस पर स्वीकृति मिलने के बाद स्कूलों की तरफ से बच्चों की सूची विभाग को ऑनलाइन भेजी जाती है, जिसके बाद कल्याण विभाग तमाम कागजातों की जांच के बाद उन नामों की सूची को मुख्यालय भेजता है और मुख्यालय से ही राशि बच्चों के नाम पर ट्रांसफर की जाती है। जिन 1,433 बच्चों की सूची मिली है उनमें से एक भी बच्चे के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं, जबकि इनमें से कई बच्चों के नाम और पते भी फर्जी पाए गए हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्यभर में 24 घंटों में सर्द हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान पलामू में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पलामू संभाग में झारखंड में सबसे कम न्यूनतम तापमान चल रहा है, जो कि 8 से 9 डिग्री के आसपास में चल रहा है। और जो मध्य झारखंड की बात करें, रांची, बोकारो और आसपास के इलाकों में, तो जो न्यूनतम तापमान है वो 10 से 12 डिग्री के आसपास में चल रहा है। और जो बात करें पूर्वी भाग की, तो कोल्हान और संथाल में 13-14 डिग्री के आसपास में न्यूनतम तापमान चल रहा है। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर।
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.8 और न्यूनतम 14 तथा डाल्टेनगंज का अधिकतम तापमान 25.8 और न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं को जल्द साइकिल मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कल्याण विभाग ने इसे लेकर एक संकल्प जारी किया है। इसके तहत स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाएगी। केंद्र में दोबारा एनडीए की सरकार वापस आई तो देश में बचा खुचा लोकतंत्र, संविधान और न्याय खत्म हो जाएगा। ये बातें भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कोडरमा में आयोजित राज्य स्तरीय कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कही। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभुक परिवार को 1 रूपये की दर से प्रतिमाह 1 किलो दाल उपलब्ध कराने की योजना वर्ष 2022-23 के आखिरी 3 महीने में जमीन पर उतारी जाएगी। इससे राज्य के 64 लाख कार्डधारी लाभान्वित होंगे। जमशेदपुर स्थित आदित्यपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में छापामारी कर पश्चिम बंगाल के ड्रग पैडलर सैयदुल रहमान उर्फ बाबू अली को 352 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर प्रखंड के जरायकेला थाना अंतर्गत सुदूरवर्ती अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र तिरलपोसी गांव का सोमवार को जरायकेला पुलिस ने दौरा किया। इसके साथ ही नक्सल मामले में विगत 12 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों सिबोड़ी कुड़िया और गजरी गागराई के घर पर इश्तेहार चिपकाया। कारा निदेशक मनोज कुमार के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम ने 5 दिसंबर को धनबाद मंडल कारा का निरीक्षण किया। टीम करीब 4.5 घंटे तक परिसर में रही और हर बिंदु पर गहराई से जांच पड़ताल की। टीम में हजारीबाग के कारा अधीक्षक भरत कुमार शामिल थे। साहिबगंज जिले के मंडरो अंचल क्षेत्र के बड़ा गडरा गांव में मुंशी बिस्रा के घर में आग लगने से 2 मोटरसाइकिल सहित जरूरी कागजात जलकर खाक हो गए। मोटर का स्विच को ऑन करने के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और पास में ही खड़ी 2 मोटरसाइकिल में आग लग गई। देखते ही देखते घर में धुएं का गुब्बार फैल गया। पाकुड़ में ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन इजरप्पा हावड़ा मंडल की ओर से स्थानीय रेल समस्याओं को लेकर 6 दिसंबर को रेलवे स्टेशन परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इसकी जानकारी स्टेशन प्रबंधक पाकुड़ सहित रेल के वरीय अधिकारियों को दे दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र कल से, सदन के सुचारू संचालन को लेकर सर्वदलीय बैठक में विचार विमर्श। परहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले में मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट पर, झारखंड हाईकोर्ट में अब 22 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। गुमला में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत रोगियों के बीच पोषण किट सामग्री का वितरण। रामगढ़ के मांडू स्वास्थ्य केंद्र के विकास के लिए जिला प्रशासन और टाटा के बीच एमओयू। और पलामू में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पहुंचा, सुबह और शाम ठंड की ठिठुरन रहेगी जारी। फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं।